ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो होली के दिन सिर्फ छोटा सा उपाय है। कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई कुछ सामान आपने नहीं लेना। सिर्फ ये जो दो सामान आपको दिख रहे हैं यही लेने हैं, और ये आपके चाहे 10 बंदों का परिवार हो, 20 बंदों का परिवार हो, उसी में पूरा हो जाएगा ये सामान। आपने कोई एक्स्ट्रा सामान इसमें नहीं लेना, ना ही कोई मंत्र जाप करना है। पर फिर भी किस प्रकार से आप चाहे काले जादू से पीड़ित है, आप चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित है, आपकी बीमारी, आपका काला जादू, सबका सब धरा का धरा रह जाएगा केवल इस उपाय के माध्यम से। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखना जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज के इस उपाय को, और जिन व्यक्तियों ने माँ काली का जयकारा कमेंट में नहीं लगाया है वो एक बार दोबारा जाए और कमेंट में जयकारा अवश्य लगा कर आए, क्योंकि आपके एक जयकारे से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि आपके लिए इस प्रकार के उपाय लेकर आते रहे। तो मित्रों, अब आपको बताते हैं कि करना क्या है। आपका चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, सिर्फ इतना सा कपड़ा आप ले लीजिए। कोई ज़्यादा कपड़ा हमने भी नहीं ले रखा, ये इतना कपड़ा हमने काला कपड़ा लिया हुआ है, इतना ही कपड़ा आप भी ले लीजिए। अगर कम परिवार है तो बेशक इतने से टुकड़े में भी आपका काम हो सकता है। करना कैसे है, ये जो आप देख रहे हैं ये है काले तिल। आसानी से आपने बाजार में भी देखे होंगे और हर जगह आपको मिल जाएंगे काले तिल। काले तिल जो शनिवार को इस्तेमाल किए जाते हैं, शनिदेव मंदिर में भी किए जाते हैं इस्तेमाल में। तो छोटा सा आप ये काला कपड़ा लीजिए, होली के दिन सुबह में लेना है आपने। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, सुबह सुबह आपने ये सबसे पहला यही काम करना है। नहा धोकर सबसे पहला काम आपने यही करना है। इतना सा काला कपड़ा लेकर, इससे भी छोटा ले लीजिए, और उसके ऊपर इस प्रकार के काले तिल अपनी इतनी सवा मुट्ठी काले तिल, जो आपकी मैं तो ऐसे रख के बता रहा हूँ, पर आप इस प्रकार से अपने हाथ में लेंगे, सवा मुट्ठी काले तिल आपने ले लेने हैं। सवा मुट्ठी काले तिल लेकर अब आपने इस प्रकार से इसकी पोटली बना लेनी है। यहाँ से आप कपड़ा काट देंगे, इस प्रकार से इसकी पोटली बंद कर लेंगे। पोटली बनाने के लिए मोली का सहारा ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। ये छोटी सी पोटली इसकी बनी है, ये छोटी सी पोटली आपने अपनी जेब में रख लेनी है। चाहे आप ऊपर की जेब में रखें, नीचे की जेब में रखें, कहीं पर भी रखें, अपनी जेब में रख लेनी है। पूरा दिन आपकी जेब में ये पोटली पड़ी रहनी चाहिए। अब आपने शाम के समय जहाँ पर भी होलिका प्रज्वलित हो रही हो, होलिका माता हर जगह प्रज्वलित की जाती है, होलिका दहन के दिन आपने ये उपाय करना है। होली खेलने वाले दिन यह उपाय नहीं करना, होलिका दहन के सुबह करना है, यानी होली खेलने से एक दिन पहले जो उपाय किया जाता है उस समय आपने ये पोटली अपनी सवेरे सवेरे रख लेनी है। शाम को जहाँ पर भी होलिका दहन हो रही हो वहाँ पर नज़दीक पहुँच जाना है। उनके नज़दीक जाने के बाद अब आपने ये पोटली अपनी जेब से निकालनी है। ये पोटली अपनी जेब से निकालने के बाद अपने हाथ में इस प्रकार रखेंगे। अपने हाथ में इस प्रकार रखने के बाद अब आपने माता होलिका से प्रार्थना करनी है कि आपकी जिंदगी में चाहे जो भी रुकावटें आ रही हैं तरक्की के माध्यम में, आपको जो भी बीमारियां लगी हुई हैं, आपके ऊपर जो भी किसी भी प्रकार का कलह कलेश चढ़ा हुआ है, वो सब आज इस पोटली के माध्यम से खत्म हो सके। और इस पोटली को अपने ऊपर से 3 बार घुमाना है, 7 बार नहीं घुमाना, अपने ऊपर से 3 बार घुमाना, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ जैसे कोई खड़ा है तो उसके इस प्रकार से 3 बार ऐसे घुमाना है। 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अब आपने ये पोटली जलती हुई होलिका में दहन कर देनी है, इसी प्रकार छोड़ देनी है। और जब छोड़ेंगे तो कोई आराम से नहीं छोड़नी, कोई प्यार से नहीं छोड़नी, ऐसे छोड़ देनी है जैसे कोई चीज़ अपने से दूर कर रहे हैं, इस प्रकार से उसमें भस्म कर देनी है। उसके बाद आप होलिका के फेरे लीजिए, उन पर माथा टेकिए और अच्छे से उनसे प्रार्थना करके पुनः अपने घर वापस लौट आए, हाथ मुँह धो के किसी अन्य कार्य में लगे। मित्रों, घर का बच्चा हो तो बच्चे की जेब में भी ये पोटली रख दीजिए और जाते हुए उस प्रकार से वार कर उसके सामने ले जाएं। और घर का कोई बुजुर्ग है, घर का कोई मरीज है, वो नहीं जा सकता होलिका दहन तक, तो उसकी जेब में भी रख दीजिए। शाम को जाते हुए घर का मुखिया उसके घर से ले जाए, या कोई अन्य सदस्य जा रहा है उसके ऊपर से वार के ले जाए। आप केवल ये काम करके देखिए, इसमें कोई मंत्र जाप मैंने आपको नहीं बताया, कोई जादू टोना, कोई तंत्र नहीं बताया। साधारण सा उपाय है, हर व्यक्ति कर सकता है, आप, मैं, बच्चा, बूढ़ा, हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। और आप इस उपाय से इतना अनगिनत फायदा पालेंगे कि आप खुद देखेंगे कि पहले की जो बीमारियां थी उसमें कितना फर्क आ गया है, पहले जो कामकाज था उसमें कितना फर्क आ गया है, पहले कोई भी काम करते थे बनता नहीं था, बीच में
रुकावटें आती थी वो भी किस प्रकार से दूर हो गई है। और अगर आपने अभी तक हमारा जो होली का ऑफर चल रहा है वो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा उसका लिंक, आप वो ऑफर भी देख सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आप भी अपने लिए उचित से उचित सामग्री को हमारे द्वारा सिद्ध करवा सकें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे समझ आई होगी। कमेंट में जय माँ काली का लिखना ना भूलें और हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।